हेलो दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद मिलिंद और मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने बच्चों जो कि स्पेशल किड्स या टीनएजर्स हैं उनको आपका कंप्यूटर सिस्टम दे सकते हैं और वो भी बिना किसी रिस्क के। तो ये जरूरी इन्फॉर्मेशन या ये जरूरी जानकारी पूरी तरीके से जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। आइए सीखते कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मैं हूं मिलिंद और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम हमारे बच्चों या टीनएजर्स को हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स दे सकते हैं और वो भी बिल्कुल रिस्क फ्री होके। यूजुअली होता क्या है कि बच्चे जो कि क्विक लर्नर होते हैं और हम उन्हें कंप्यूटर जैसी चीज से बहुत दूर रखते हैं, जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से या आज की जो रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से मैं पर्सनली सही नहीं मानता हूँ। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी से सीखते हैं और उन्हें सीखना भी चाहिए। तो अगर वो इस किड्स या टीनेज में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो हमें उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, पर साथ ही साथ हमें वो चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। बहुत से पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि हमारे बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस करेंगे जो उनके लिए शायद इस समय ठीक नहीं हो सकती है, या तो कुछ घंटे गेम्स खेलते रहेंगे या तो फिल्में देखते रहेंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं विंडोज के एक फीचर जिसका नाम है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल विंडोज में इनबिल्ट आता है, बहुत सारे लोगों को शायद इसका पता होगा और बहुत सारों को नहीं पता होता है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे भी मेरे चाइल्डहुड में या टीनेज में कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था और मतलब मेरे पे इतनी नज़र रखी जाती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। पर अल्टीमेटली वो चीज सीखने के लिए मैं यूज़ करता था और उसके कारण मैंने कई बार डांट भी सुनी है क्योंकि अगर कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया या आपके किसी पेरेंट्स का कोई सॉफ्टवेयर या आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनका कोई जरूरी प्रोग्राम आपने हटा दिया उड़ा दिया तो उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पर ये जो पेरेंटल कंट्रोल है जो कि इनबिल्ट होता ही है माइक्रोसॉफ्ट के मशीन्स में और हमें सिर्फ उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होती है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप उसे देखिए और कॉन्फ़िगर कीजिए और अपने बच्चों को रिस्क फ्री होके आपके कंप्यूटर का एक्सेस दीजिए। उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कितने आवर्स वो एक्सेस कर सकेगा, कौन कौन सी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सेट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए एक पेरेंटल कंट्रोल इनेबल्ड अकाउंट विंडोज में। आपको करना कुछ यूँ है कि आपके कीबोर्ड पे आपका विंडो की आपको प्रेस करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है, पेरेंट आप लिखेंगे तभी आपको ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। ये मैं आपको विंडोज 10 पे दिखा रहा हूँ। ये फीचर ऑलमोस्ट विंडोज के लास्ट 3-4 वर्जन पे अवेलेबल है, विंडोज 7, विंडोज 8.1 और विंडोज 10। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पे आपको योर फैमिली सेक्शन में जाके आपको ऐड करना है एक नया फैमिली मेंबर। वहाँ पे वो आपको पूछता है कि ये जो मेंबर है तो वो एडल्ट है या चाइल्ड है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है एप्रोप्रिएट जो भी आपका सिलेक्शन है वो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप उनका आपके चाइल्ड का ईमेल एड्रेस आपको डालना है। अगर नहीं है तो आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ईमेल एड्रेस उन्होंने टेस्ट पर्पज़ के लिए बनाया है वो मैं डालने वाला हूँ और उसको मैं बाद में ब्लर कर दूंगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है आपका आपके किड का या आपके चाइल्ड का जो भी ईमेल एड्रेस है वो, और उसके बाद क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। अगर नहीं है, इन केस अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि द पर्सन आई वॉन्ट टू ऐड डजंट हैव एन ईमेल एड्रेस, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए वो एक फॉर्म ओपन कर देगा जिसके थ्रू आप उसकी बर्थ डिटेल पासवर्ड और आपके कंट्री का डिटेल दे के नया अकाउंट बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है इसके लिए मैं वही यूज़ करूँगा।
वो ऐड करते ही नेक्स्ट करना है आपको। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे और वो आपको कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, आप कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक मेल जाएगा उस ईमेल एड्रेस पे और वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उस आपके चाइल्ड के ईमेल एड्रेस पे जो मेल आएगा उससे, और वो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वो आप फिर एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे इसको जैसे ही क्लोज किया, यहाँ पे वो ऐड हो गया है, वो तब तक पेंडिंग दिखाएगा जब तक आप आपके मेल में जाके उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं आप उस इनविटेशन को, तो वहाँ पे मेल में आपको सिर्फ एक एक्सेप्ट इनविटेशन का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऐड कर देंगे वो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो साइन इन कर सकता है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया मुझे, मैंने योर फैमिली, ठीक है, तो मैंने एज ए फैमिली मेम्बर यहाँ ऐड कर दिया है एक अकाउंट, और वो अकाउंट ऐड हो गया है। तो नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो गया है आपके विंडोज़ का, और वो यूज़र आपको दिखाई देगा कब, जब आप लॉक करेंगे इस सिस्टम को, तब हो सकता है कि ये मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँ। तो ये सारी जो सेटिंग्स हैं और कैसे इसमें आप कौन कौन सी वेबसाइट रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं और भी क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं कि कितने आवर्स वो आपका चाइल्ड एक्सेस करे, कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस करे। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे आप एक पेरेंटल अकाउंट अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं और उस पर आपके रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स किस टाइम पे, कौन कौन सी वेबसाइट्स आपका बच्चा या कोई टीनेजर एक्सेस कर सके, और उसकी लॉग ट्रैकिंग आप कर सकते हैं वीकली बेसिस पे जो आपको आपके ईमेल में मिल जाएगी। तो आई होप कि ये काफी जरूरी इंफॉर्मेशन है और स्पेशली इन इंडिया हमें जानने की जरूरत है। तो इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और इस वीडियो में मैंने जो समझाया है वो लोगों को समझने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके सारे सोशल नेटवर्क्स पे, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ यहाँ पे डेली कोई ना कोई एक नई जानकारी की वीडियो जो आपको जानना जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।